أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. प्यारे तलबा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मैं मोहम्मद फियाज़ रशीद नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़र हूँ. इस वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 8.2 के पहले 5 सवालात को हल करेंगे. ये एक्सरसाइज DA इलेक्ट्रिकल 233 से ली गई है. मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे ताकत दी, उसके बाद वालदैन और तमाम उस्तादा कराम, बिलखसूस सर अजीज़ साहिब और मैम सैमा का, जिनसे मैंने इंटीग्रेशन के बारे में बहुत कुछ सीखा. तो आइए शुरू करते हैं. इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको ये रेडिकल और इनकी ये जो सब्सिट्यूशन है ये याद करनी पड़ेगी. अगर हमारे पास रेडिकल इस फॉर्म में हो ए एक्स जमा बी, तो हम उसकी सब्सिट्यूशन इस तरह करेंगे, ए एक्स जमा बी बराबर होगा टी स्क्वेयर. एक्स जमा ए का जजर हो तो उसको हम सब्सिट्यूशन में एक्स जमा ए बराबर है टी स्क्वेयर पुट करेंगे. अगर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का जजर हो तो फिर हम एक्स इज़ इक्वल टू ए साइन टी पुट करेंगे. ए स्क्वेयर जमा एक्स स्क्वेयर का जजर हो तो फिर एक्स इज़ इक्वल टू ए टेन टी पुट करेंगे. अगर एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का जजर हो तो फिर हम एक्स इज़ इक्वल टू ए सीकेंट टी दर्ज करेंगे. ठीक है, अगर आपको ये 5 रेडिकल और इनकी जो सब्सिट्यूशन है समझ आ गई तो ये जो एक्सरसाइज है ये आपके लिए कुछ नहीं है. ठीक है, इसलिए आप फोकस करें कि आपको ये समझ आ जाए. अब हम सवालात को शुरू करते हैं. अब ये हमारे पास फर्स्ट है, ठीक है, इसका इंटीग्रल हमने मालूम करना है. तो इसको पहले थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं. डी एक्स इस 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और 16 एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं 4 एक्स का स्क्वायर का जगह. ठीक है, अब ये फॉर्म बन रही है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स आ रहा है तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है हमारा. अब आप ये देखें, अगर हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो हम क्या करते हैं, एक्स इज़ इक्वल टू ए साइन टी पुट करते हैं. आप टी की जगह कोई और भी वेरिएबल ले सकते हैं. ठीक है, तो मैं इधर थीटा इस्तेमाल करूँगा, आप टी भी को इस्तेमाल कर सकते हैं. एक्स इज़ इक्वल टू, आप एक्स की जगह क्या है लेट करेंगे, एक्स की जगह हमारे पास है 4x, ए साइन टी है ना, ए क्या है हमारे पास 5 है, स्क्वेयर के अंदर जो होगा ए होगा इस स्क्वेयर के अंदर, क्योंकि एक्स भी आ रहा है तो सारा एक्स होगा ए साइन. इधर हम टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल इस्तेमाल कर सकते हैं. मैं थीटे को इस्तेमाल करूँगा, ठीक है, थीटा ले लिया. अब इसमें से एक्स निकालूंगा, 4 इधर से ज़रब हो रहा है तो इधर क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा. ठीक है, ये हमारे पास आ गया है. अब मैंने डी एक्स निकालना है, डी एक्स क्या आ जाएगा 5/4, एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स 5/4 कांस्टेंट शुरू में आ गया, साइन का डिफरेंशियल क्या होगा कॉस थीटा, और थीटे का डिफरेंशियल डी थीटा. ठीक है, अगर मैं इसमें से थीटा निकालूं, इससे थीटा निकालूं तो 5 इससे ज़रब हो रहा है, ज़रा क्या हो जाएगा तकसीम हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा 4x/5. ठीक है, साइन इधर है तो इधर आके साइन इन्वर्स हो जाएगा, साइन इन्वर्स हो जाएगा. ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा, साइन इन्वर्स 4x/5 थीटा इसके बराबर आ जाएगा. अब मैं डी एक्स की वैल्यू इधर दर्ज करूँगा, 4x की जगह जो हमने दर्ज किया वो मैं ऊपर दर्ज करूँगा. अब ये देख, बहुत ही आसान है, डी एक्स की जगह क्या आएगा, ये आएगा 5/4 कॉस थीटा डी थीटा बाई, ये 5 का स्क्वायर वैसे आ जाएगा, माइनस 4x का स्क्वायर. अब 4x की जगह क्या है, 5 साइन थीटा इसका स्क्वायर और जजर. ठीक है, ये ऊपर क्या आ जाएगा, 5/4 कॉस थीटा डी थीटा. ठीक है, अब 5 इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है. ठीक है, तो आप 5 को कामन ले सकते हैं. ठीक है, जब आप 5 को बाहर कामन लेंगे तो स्क्वायर भी 7 कामन आएगा. ठीक है, स्क्वायर भी 7 कामन आएगा. इधर कामन, जब 5 का स्क्वायर कामन ले, इधर क्या बचा 1, और इधर क्या बचा 5, और 7 ये वाला स्क्वायर बाहर कामन आ गया तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, इसके ऊपर सारा क्या है, जजर है. ठीक है, अब ऊपर क्या है, 5/4 कॉस थीटा डी थीटा. अब 5 का ये वाला स्क्वायर और ये वाला कैंसिल हो गया तो इधर क्या बच गया, 5 बाहर आ जाएगा, इसके ऊपर वैसे रह जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा, इसके ऊपर जजर वैसे रह जाएगा. इसका जजर अलहदा ले लेंगे, इसका जजर अलहदा ले लेंगे. ठीक है, पिछली टर्म को ही मैंने इधर दोबारा लिखा है. ठीक है, अब ये 5/4 है, इसको बाहर ले लेंगे. ठीक है, 5/4 को बाहर ले लिया, इधर क्या है 5, तो ये 1/5 हो जाएगा, नीचे है ना 5, ऊपर क्या बच रहा है कॉस थीटा, और 1 साइन स्क्वायर थीटा हम जानते हैं, तो मैं रफ में लिख रहा हूँ, 1 साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के.
जब ऊपर जजर आएगी, इधर भी जजर है तो ये इसके बराबर होगा, जब इधर जजर आएगी और इधर भी, ये जजर और स्क्वायर कैंसिल हो जाए तो इधर क्या बचेगा हमारे पास, कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, अब ये देखें, ये वाला कॉस थीटा इस कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 5 इस 5 से कैंसिल, इधर क्या बच जाएगा 1/4, ठीक है, डी थीटा, साथ इंटेग्रल आएगा हर एक के साथ, ठीक है, इंटेग्रल डी थीटा। ठीक है, अब 1/4 थीटे का इंटेग्रल, 1 है ना इधर, 1 का इंटेग्रल थीटे के लिहाज से क्या आएगा, थीटा प्लस सी। ठीक है, अब 1/4, अब जो थीटा था हमारे पास वो किसके बराबर था, वो था हमारे पास थीटा बराबर था साइन इनवर्स 4x/5 के। ठीक है, तो हम इस थीटे की जगह इसको लिखेंगे साइन इनवर्स 4x/5 + c। ठीक है, यही हमारा फाइनल जवाब है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो है ये हल हो गया है हमारे पास है। नेक्स्ट ये a² - x² का एक्स का स्क्वायर सारे का जगह डी एक्स। अब मैं दिखाता हूँ ये किसके बराबर है। अब ये देखें, अगर हमारा इस तरह आ जाए तो हम क्या क्या लेट करते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए साइन टी, तो वही मैं इधर दर्ज करूँगा, एक्स इज इक्वल टू, लेट कर रहा हूँ, एक्स इज इक्वल टू ए साइन टी की जगह मैं थीटा ले रहा हूँ, आप टी भी ले सकते हो, तो डी एक्स क्या आ जाएगा, एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स, ए वैसे साइन का डिफरेंशियल क्या आएगा, कॉस थीटा, और थीटे का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, डी थीटा। ठीक है, अब ये वैल्यू को उधर दर्ज कर दो, ये स्क्वायर वैसे आ जाएगा -x², एक्स की जगह क्या आएगा, ये साइन थीटा इसका स्क्वायर। ठीक है, साथ क्या जरूर खा रहा है जजर, डी एक्स किसके बराबर है, ए कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है। अब ये देखें, a² - a² साइन स्क्वायर थीटा ए कॉस थीटा डी। ठीक है, अब इसमें ए स्क्वेयर है तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वेयर को ले लेंगे कामन, तो इधर क्या बच जाएगा, 1 - sin² थीटा का जगह ए कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, अब ए स्क्वेयर 1 - sin² थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वेयर थीटा इसके ऊपर क्या आएगा जजर, और ए कॉस थीटा डी थीटा। अब ये देखें इंटेग्रल, इसका जजर और दोनों का जजर और स्क्वेयर कैंसिल हो जाएंगे तो इधर क्या बच जाएगा, ए कॉस थीटा, ये वाला जजर और स्क्वेयर कैंसिल हो गया, जजर और स्क्वेयर, और ये भी है हमारे पास ए कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, अब ये देखें, ए को ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो ए स्क्वेयर आएगा, कॉस को कॉस दिया तो क्या बन गया, कॉस स्क्वेयर थीटा डी थीटा। ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है। अब हम जानते हैं ये ए स्क्वेयर कांस्टेंट है तो इसको शुरू में ले लिया, इधर क्या बचा, कॉस स्क्वेयर थीटा। ठीक है, ये हमारे पास बच गया है। अब हम जानते हैं कि हमारे पास स्क्वेयर की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, तो हम इसको स्क्वेयर को ख़त्म करेंगे और इसको सिंपल में लाने की कोशिश करेंगे। अब हम जानते हैं कि हमारे पास cos 2 थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, 2 cos² थीटा - 1। अब ये वाला -1 इधर आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, cos 2 थीटा, ये बन गया 2 cos² थीटा। अब का 2 इससे क्या हो रहा है, ज़रब, तो इधर आ क्या हो जाएगा, तकसीम सब के नीचे। अब हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं, ये स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 cos 2 थीटा/2d थीटा। ठीक है, अब ए जो 2 तकसीम हो रहा है इसको बाहर ले लो तो क्या आ जाएगा, a² / 2 1 cos 2 थीटा / d थीटा। ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है। अब हम इसकी इंटीग्रेशन को अलग अलग ले लेंगे, एक की इंटीग्रेशन थीटा के लिहाज से क्या होगी, थीटा, और कॉस की इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्या होती है, साइन थीटा। अब थीटा हमारी क्या है, इधर 2 थीटा है तो 2 थीटा आ जाएगा। अब 2 थीटे का डेरिवेटिव थीटे के लिहाज से लेकर तकसीम करेंगे, 2 थीटे का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आएगा, तो वो हमने इधर तकसीम कर दिया। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है। अब क्या हो जाएगा, प्लस सी। ठीक है, अब ये देखो, ये आ जाएगा a² / 2 थीटा प्लस, ठीक है, ये 1/2, ठीक है, और sin 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 sin θ cos θ। ये हमारे पास फार्मूला होता है कि sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin θ cos θ के, प्लस सी। अब ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो गया तो इधर क्या आ गया, a² / 2 थीटा प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस सी। ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है, ये हमारे पास आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
थीटे में वैल्यू दर्ज करेंगे और हम इसको ओरिजिनल फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो फंक्शन जो है वो एक्स में आ जाए। अब ये देखें, जो हमने फर्स्ट लेट किया था वो था एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, यही था ना। अब इसमें से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब ये देखें, ए से क्या हो रहा है ज़रब, तो इधर आ क्या हो जाएगा तकसीम, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई। अगर आप इसकी थीटा से की लेना चाहते हो साइन, इससे साइन इधर जाकर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। अब हमें कॉस की चाहिए, ठीक है, और कॉस थीटा हम जानते हैं किसके बराबर होता है, वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा की जदर के। तो वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, साइन थीटा ये अगर इधर स्क्वेयर लें, इधर स्क्वेयर लें, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर बटा ए स्क्वेयर, ऊपर क्या है जदर, ठीक है। तो ये ए स्क्वेयर जरब देंगे तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस का एक्स स्क्वेयर का जदर। अब नीचे वाले जदर, नीचे वाले के साथ टर्म के साथ अलग जदर ले लेंगे, ऊपर वाले के साथ अलग जदर, ऊपर वाली जदर वैसे रहेगी, नीचे वाला जो जदर है और स्क्वेयर है ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए, ठीक है। अब हमारे पास थीटा की वैल्यू भी है, ठीक है, साइन थीटा की है और कॉस थीटा की भी है, ठीक है। अब मैं इस पहले में दर्ज कर रहा हूँ, ये बन रहा है ए स्क्वेयर बाई टू, थीटा किसके बराबर है, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, ये इधर से जमा साइन थीटा किसके बराबर है, एक्स ओवर ए, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। और कॉस थीटा किसके बराबर है, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का जदर ओवर ए, ठीक है, प्लस सी, ठीक है, यही हमारे पास आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इसको इससे भी ज़रब दूंगा और इसको इससे भी ज़रब दूंगा। अब इसको इससे ज़रब दिया तो ये आ जाएगा ए स्क्वेयर बाय टू साइन वर्स एक्स ओवर ए, ठीक है। अब अगर इसको इससे ज़रब दूंगा, ये भी ए है, ये ए स्क्वेयर है, ए की पावर एक आ जाएगी, ए यही बचेगा ना इधर, ठीक है। अब इसको मज़ीद देखते हैं कि दो से ज़रब देते हैं फिर इसे, अब ये देखें ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर बाय टू, ये इधर क्या है, एक्स ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का जदर बाय, ये भी ए है, ये भी है, ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वेयर, ठीक है, ये टू है, ये ए स्क्वेयर इस ए स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फाइनल जवाब क्या आएगा, फाइनल जवाब हमारे पास आ रहा है ए स्क्वेयर बाय टू साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस, इधर हमारे पास क्या आ रहा है, अब इधर हमारे पास बच जाएगा एक्स ये वाला ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का जदर बाय, ये वाला ये टू है, ये प्लस सी, ठीक है, यही हमारा फाइनल जवाब है, ठीक है। सेकंड जो जो है ये कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट हमारे पास है इंटेग्रल एक बटा ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ वो टेबल, ठीक है, टेबल से आप देखेंगे कैसे पुट करेंगे। ये वाली हमारे पास फॉर्म आ रही है ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, तो हम क्या लेट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा या ए साइन टी, कोई भी वेरिएबल इसके आगे, ठीक है। तो ये वाली फॉर्म आ रही है, ये देखें, तो मैं लेट करूँगा, लेट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है, एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स, ए साइन का डिफरेंशियल क्या होगा, कॉस थीटा, और थीटे का डी थीटा, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब मैं इसकी वैल्यू को दर्ज करूँगा, डी एक्स है, डी एक्स की जगह क्या लिखूँगा, ए कॉस थीटा ये वाला डी थीटा बाय, डी एक्स को एक से ज़रब दी तो ऊपर ही डी एक्स आ जाएगा ना, ये ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर हमारे पास क्या है, ये है, तो ये आ जाएगा ए साइन थीटा का स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा ए कॉस थीटा डी थीटा बाय ए स्क्वेयर माइनस ये आ जाएगा ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, ठीक है, ये अब हमारे पास आ रहा है। अब इसमें से मैं क्या करूँगा, ऊपर से नीचे से ए स्क्वेयर कॉमन लूँगा, ऊपर से ए कांस्टेंट है ना, ए ऊपर से ले लिया, इसमें भी ए स्क्वेयर है, इसमें भी ए स्क्वेयर है, तो ए स्क्वेयर ले लिया, ऊपर क्या बचेगा, कॉस थीटा डी थीटा, इधर ए स्क्वेयर कॉमन लिया एक, इधर क्या बचेगा, साइन स्क्वेयर थीटा, ठीक है। अब नीचे ए बच जाएगा, एक पावर इसकी है, दो पावर इसकी है, तो नीचे एक एक बच गया, तो ये बच गया कॉस थीटा, वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा हमें पता है वो क्या होता है, कॉस स्क्वेयर थीटा डी थीटा, ठीक है, हम जानते हैं इसके बराबर होता है। अब ये देखिए वन ओवर ए, इसकी पावर दो है, इसकी पावर एक है, एक पावर कैंसिल होगी तो क्या बचा, एक बटा कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है, ये वन ओवर ए, और वन ओवर कॉस थीटा क्या बराबर होता है, सीकेंट थीटा डी थीटा, ठीक है, ये वन ओवर ए, सीकेंट थीटा का एंटी डेरिवेटिव हमें पता है कि लॉग इंटू सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें
सीकेंट थीटा की वैल्यू चाहिए और टेन थीटा की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब ये हमें दी किसकी हुई है, जो हमने लेट की है वो थी एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा की। ठीक है, अगर इसे साइन थीटा की वैल्यू लेना चाहें क्या आ जाएगी, ये इससे ज़रब हो रहा है, इधर जा क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। ठीक है, हम जानते हैं कि जो हमारा साइन होता है, साइन थीटा, वो बराबर किसके होता है, अमूद बटा वतर के। ठीक है, अब मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूँ, ये देखें राइट ट्राइंगल, क्योंकि राइट ट्राइंगल पर ही ये फार्मूला लगता है। ठीक है, साइन थीटा बराबर होता है अमूद बटा वितर, अमूद हमारा क्या हो जाएगा एक्स, और वितर क्या हो जाएगा ए। ठीक है, अब हमारे पास एक होता है मसला फीसागोरस। ठीक है, इसको मैं फ़र्ज़ करो लेट कर लेता हूँ, कोई किसी और के बराबर लेट कर लेता हूँ, ये वाली जो साइड है इसको मैं वाई कह देता हूँ। वो क्या होता है, अमूद का स्केयर, अमूद हमारा क्या है ए, बराबर होगा, सॉरी, अमूद का स्केयर प्लस कायदा का स्केयर बराबर किसके होगा, वितर का स्केयर। सो वितर का स्केयर, मसला फीसागोरस लगा रहा हूँ, वितर का स्केयर किसके बराबर होगा, अमूद का स्केयर प्लस कायदा का स्केयर। अब हमें क्या चाहिए, ये वाली साइड चाहिए, तो वाई स्क्वेयर ए स्क्वेयर, ये एक्स स्क्वेयर जमा का इधर क्या हो जाएगा, माइनस का, तो इसका स्क्वेयर नहीं चाहिए, जजत चाहिए, तो ये हमारी किसके बराबर आ जाएगी, इसके, तो वाई किसके बराबर आ जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का जजत। ठीक है, इसके बराबर आ जाएगा। अब हमें पहले क्या चाहिए, सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो आप पहले कॉस ले लो, कॉस किसके बराबर आ जाएगा, कॉस हमारा आएगा कायदा बटा वतर के, कायदा हमारा क्या है ये, और वतर क्या है ये, इसको उल्टा लो तो हमारा क्या आ जाएगा, सीकेंट थीटा, तो ये आ जाएगा, ये यू हमें चाहिए। ठीक है, और टेन थीटा हम जानते हैं किसके बराबर होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, एक्स ओवर ए, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, कॉस थीटा की हमारी वैल्यू आ रही है ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का ज़्यादा ओवर ए, इसका ए से के ए से कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स बटा ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का ज़्यादा। अब टेन थीटा की वैल्यू हम इधर पुट करेंगे और सीकेंट थीटा की वैल्यू जो हमने निकाली है वो इधर दर्ज करेंगे, हमारे पास फाइनल जवाब आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने सीकेंट थीटा और टेन थीटा की जो वैल्यू निकली है वो मैंने इधर दर्ज कर दी है। ठीक है, अब ये वन ओवर ए लॉग, ये दोनों सेम है, इसका इजाफी कर लेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का ज़्यादा, ऊपर क्या आ जाएगा, ए प्लस एक्स प्लस सी। ठीक है, यही हमारा फाइनल जवाब है। अब नेक्स्ट हमारे पास है ये इंटेग्रल डी एक्स बटा ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का ज़्यादा। ठीक है, तो हम इधर से देखेंगे इस पर कौन सा लगेगा, ये हमारे पास जो टेबल मैंने आपको दिखाया था, ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का ज़्यादा हो तो हम क्या पुट करते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए साइन कोई और वेरिएबल साथ। ठीक है, तो वही मैं इधर दर्ज करूँगा, लेट एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर है ना, तो हम दर्ज करते हैं, ये देखें ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर हो तो एक्स इज इक्वल टू ए साइन कोई और साथ वेरिएबल, ए सॉरी ए टेन है, ए टेन मैं थीटा वेरिएबल साथ ले रहा हूँ। ठीक है, तो डी एक्स हमारा क्या आ जाएगा, ए टेन का डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास, सीकेंट स्क्वेयर थीटा डी थीटा। ठीक है, ये आ गया, अब मैं वैल्यू को दर्ज कर रहा हूँ, डी एक्स किसके बराबर आएगा, ए सीकेंट स्क्वेयर थीटा डी थीटा बाय ए स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर की जगह क्या हो जाएगा, ये दर्ज करेंगे, ए टेन थीटा का स्क्वेयर का ज़्यादा। ठीक है, इंटेग्रल ऊपर क्या आएगा, ए सीकेंट स्क्वेयर थीटा डी थीटा बाय ए स्क्वेयर प्लस, इसका जब स्क्वेयर लेंगे तो ये बन जाएगा ए का स्क्वेयर और टेन स्क्वेयर थीटा का जजर। ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है। अब नेक्स्ट आप देखें इंटेग्रल, ये आ जाएगा ए सीकेंट स्क्वेयर थीटा डी थीटा बटा, इसमें से ए स्क्वेयर कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा, ऊपर क्या आ जाएगा जदर, ए सीकेंट स्क्वेयर थीटा डी थीटा बटा, ए स्क्वेयर का जब अलग जदर लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इस पर वही जदर रहेगा, वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा, इसके ऊपर वैसे ही जदर रहेगा। ठीक है, अब ये देखें, ये बन जाएगा ए सीकेंट स्क्वेयर थीटा डी थीटा बाय ए, ये वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा किसके बराबर होता है, ये हमारा होता है सीकेंट स्क्वेयर थीटा के बराबर, इसके ऊपर जगह है। अब ये भी ए है, ये भी ए है, ये आपस में ख़त्म हो गया, तो ऊपर क्या बच गया, सीकेंट स्क्वेयर थीटा, इसका स्क्वेयर और जगह कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, सीकेंट थीटा। ठीक है, ये हमारे पास बच रहा है।
अब नीचे भी सीकेंट थीटा, ऊपर सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो क्या बचा सीकेंट थीटा डी थीटा। अब हम जानते हैं कि सीकेंट थीटा का एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, यानी इंटीग्रल लॉग सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, सीकेंट थीटा और टेन थीटा की वैल्यू चाहिए। हमने जो दर्ज की थी वो ये थी, एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा, तो ए से क्या हो रहा है ज़रब, तो हमें टेन थीटा की जो वैल्यू चाहिए इधर क्या हो जाएगा तकसीम। ठीक है, और हमें अब टेन थीटा की आ गई, सीकेंट थीटा किसके बराबर होता है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन का जदर। अब टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आएगा, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वन का जदर। इजाफी कर लोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जदर। ऊपर का जदर लादा लोगे, नीचे का जदर लादा, ऊपर का जदर वैसे ही रहेगा, नीचे वाले का जब जदर लोगे तो जदर और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा, ए बच जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, टेन थीटा और सीकेंट थीटा की जो वैल्यू है वो मैं इधर दर्ज करूँगा। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर वन कह देता हूँ, इसमें मैं दर्ज करूँगा और हमारे पास रिक्वायर्ड जवाब आ जाएगा। अब मैंने इक्वेशन में टेन एक्स और सीकेंट एक्स की जो वैल्यू है, इधर सीकेंट एक्स और टेन एक्स की मैंने दर्ज कर दी है। ठीक है, अब ये भी ए है, ये भी ए है, अगर आप इजाफी कर लो तो ए आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, एक्स जमा एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जदर प्लस सी। ठीक है, यही हमारा फाइनल जवाब है। नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ जूस। ठीक है, फिफ्थ जूस में हमने एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर जमा एक्स स्क्वायर डी एक्स की इंटीग्रेशन को फाइंड करना है। अब आप देखें ये किससे मैच कर रहा है, ये इससे मैच कर रहा है, ए स्क्वायर जमा एक्स स्क्वायर का जदर हो तो हम क्या पुट करते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए टेन, साथ कोई और वेरिएबल। इसमें अगर जजर ना भी हो, ना जजर हो या ना हो, फॉर्म ये वाली बन रही हुआ, तो आपने यही पुटिंग करनी है, उसी के बराबर जो पुटिंग है वही आपने करनी है। ठीक है, तो मैं आप दर्ज कर रहा हूँ, लेट एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। ठीक है, एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स ए, टेन का डिफरेंशियल क्या होगा सीकेंड स्क्वायर एक्स थीटा, और थीटे का क्या होगा डी थीटा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अच्छा जी, अब ये देखो एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स डॉट एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है, साथ क्या आ गया डी एक्स। अब ये देखें इंटीग्रल, इस एक्स की जगह क्या लिखूँगा ए टेन थीटा, और इस एक्स की जगह क्या लिखूँगा ए टेन थीटा। अब ए स्क्वायर वैसे आ गया, जमा इस एक्स स्क्वायर की जगह ये ए टेन थीटे का स्क्वायर साथ डी थीटा भी आएगा। ठीक है, अब ये देखें ये भी ए है, ये भी ए है, ये बन जाएगा एक स्क्वायर, टेन को टेन से रख देंगे तो क्या बनेगा टेन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या आ रहा है ए स्क्वायर जमा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा ऊपर। ठीक है, ऊपर आ रहा है ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, नीचे वाले में से ए स्क्वायर को कॉमन ले रहा हूँ तो वो आ जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऊपर डी थीटा भी आ जाएगा, इसका ए स्क्वायर इसके ए स्क्वायर से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास क्या आ रहा है, अब हमारे पास आ रहा है डी एक्स का आ जाएगा ये वाला। अब इधर अगर आप गौर से देखें तो हमने डी एक्स की वैल्यू दर्ज नहीं की, डी थीटा लिख दिया, ये सात बाई दर्ज नहीं की, तो आप ये सात लिख लोगे इधर ए सीकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, इधर भी आ जाएगा ए सीकेंड स्क्वायर थीटा, इधर भी आ जाएगा ए सीकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इधर क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा ए टेन स्क्वायर थीटा और सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा हम जानते हैं किसके बराबर होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा के। ठीक है, ये हमारे पास होता है। अब ये देखें इससे ये वाला कैंसिल हो गया, तो ऊपर ये जो ए कांस्टेंट है इसको मैंने बाहर निकाल लिया, इधर हमारे पास बच रहा है टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अब ये टेन स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन के डी थीटा। ठीक है, अब इसके साथ मैं इंटीग्रेशन अलहदा लूँगा और इसके साथ इंटीग्रेशन अलहदा लूँगा, इसके साथ इंटीग्रेशन लेता है, इसके साथ इंटीग्रेशन लेता है। ठीक है, अब ये सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगी टेन थीटा, और वन की माइनस थीटा प्लस सी। ठीक है, ये हमारे पास आ गई। अब हम क्या करेंगे, टेन थीटा और थीटा की वैल्यू को दर्ज करेंगे। शुरू में जो हमने पुट किया वो है एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। अब इधर से टेन थीटा निकाल लें, ए से ज़रा बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा तकसीम
ठीक है, अगर आप थीटा निकालना चाहो तो टेन इधर, टेन है इधर जाकर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स बटा ए। ठीक है, अब ये देखो ये वैसे ही आ गया, टेन थीटा किसके बराबर है, एक्स बटा ए माइनस टेन थीटा किसके बराबर है, सॉरी थीटा किसके बराबर है, टेन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी। अब ए को मैं इधर ज़रब दूंगा, ए से कैंसिल हो गया, जब इसको ज़रब देंगे तो एक्स माइनस इसके साथ ए रहेगा, यानी मैंने अलग अलग ज़रब दी है ना, एक्स बटा ए प्लस सी। ठीक है, ये हमारा आ रहा है, आज का लेक्चर इधर ही ख़त्म हो रहा है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास मज़ीद वीडियोस बआसानी आ सकें। दुआओं में याद रखिएगा, खुदा हाफिज़।